हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल चार्ट ट्यूटोरियल। तो इससे पहले हम लोग देख चुके थे 58 नंबर क्वेश्चन तक, तो आज हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 13A इंटीग्रेशन का। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ देखेंगे, ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन के आसपास। जितना देखेंगे वो वीडियो के आपके सब टाइटल में आपको मिल जाएगा कि इतना इतना नंबर क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 13A का। तो खैर शुरू करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको 1/√_1-3x / √5-3x dx। तो इसमें आप क्या करो, 1+3x, मैं करके दिखा देता हूं, 1-3x + √5-3x (1-3x + 5-3x) से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इधर क्या बचा, 1-3x - 5-3x। ये क्या हो गया, ये 1-3x + 5-3x और इसका स्क्वायर, इस a+b a - b के फॉर्म में है ना, तो इसका स्क्वायर यानी 1-3x माइनस इसका स्क्वायर मतलब -5-3x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1-3x + √5-3x / 1-3x - 5+3x। ये तो कट ही गया, ये क्या हो गया, ये बच गया आपको -4 - 1/4 बाहर ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1-3x का पावर 1/2 था, और 1/2 + 1 = 3/2 इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा, यहाँ ये होगा। और 5-3x का पावर 1/2 तो 5-3x का पावर 3/2 × 3/2, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1-3x का पावर 3/2 / और इधर आपको बच गया, ये हो गया 2/3 और ये हो गया -4 प्लस ये भी हो गया 2/3, 5-3x का पावर 3/2 × -4, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां हम जगह छोड़ दिए, जगह इसलिए छोड़े हैं ताकि आप लोग सोचिए यहां पे और क्या होना चाहिए। सोचिए, अरे 1-3x को इंटीग्रेट करेंगे तो -3 भी तो आएगा नीचे, 1 का इंटीग्रेशन कुछ, और -3x को इंटीग्रेट करेंगे तो -3 भी तो आएगा नीचे, तो ऐसा होता है इंटीग्रेशन में, यहां भी -3 यहां भी -3, अब 2 × 2 = 4 इधर 2 × 2 = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं अच्छे से, चलिए तब तक के लिए पॉज करके आप नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर जैसा कि मैंने लिखा है। अब देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है x²/(1+x6dx). तो इसमें आपको क्या करना है, लेट x³ = t, तो dx बराबर हो जाएगा dt और / 3x² पुट कर देंगे, x²/(1+t²) · dt/3x² कट गया, बचा क्या, dt/3 = 1+t², ठीक है। अब देखिए ये किसके फॉर्म में, 1/3 को मान लीजिए बाहर ले लेते हैं, बचा गया dt/1+t², किसके फॉर्म में है, ये tan इनवर्स t के फॉर्म में, 1/3 × tan इनवर्स t + c, तो ये हो जाएगा 1/3 × tan इनवर्स x³ + c, क्योंकि t को x³ माने थे इसलिए। लोग देखते हैं अब 61 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है x³/(1+x8dx). तो x4 को हम लोग t मान लेंगे। देखिए ऐसा हम लोग इसलिए सोच पाते हैं कि देखिए x4 का डिफरेंस कितना होगा, 4x³, और x³ से x³ कट सके इसलिए ऐसा मानते हैं। तो ये हो जाएगा आपको dx = dt/4x³, पुट कर देते हैं x³/(1+t²) · dt/4x³, कट गया, बचा dt/1+t² और इधर -4 भी तो बचा रह गया,
तो 1/4 को बाहर ही कर लेते हैं, 1/4 tan इनवर्स t प्लस c हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x4 प्लस c। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है x बाय 1 प्लस x4 इंटू dx। अब x को कैसे काटें, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो उस x से x कट सकता है, इसलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं, तो dx बराबर dt बाय 2x, x बाय 1 प्लस t स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर t माने थे, इंटू dt बाय 2x, x कट गया, बचा क्या 1/2 बाहर, और इसका क्या हो गया tan इनवर्स t प्लस c, 1/2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि अब देखिए एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के हम लोग कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में वैसे ही बहुत ज्यादा बता चुके हैं आप लोगों को, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है कि 1 प्लस टी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स t और 1/2 का इतना होता है, 1/2 को बाहर ले लिए इसलिए इतना हो गया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कहता है एक्स का पावर 5 बाय 1 प्लस एक्स क्यूब dx, इसको तोड़ देते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, एक्स का पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब टू डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स क्यूब को हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, लिखिए हम लोग क्यों माने हैं, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, इसलिए माना क्योंकि एक्स क्यूब जगह ये पुट कर दें इसलिए टी के फॉर्म में, और अब इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर, इसको आप याद रख लीजिए ये इसमें काम आएगा, उसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट भी कर ही रहे हैं हम लोग, तो 3x स्क्वायर dx बराबर 2t dt और 1 का तो 0 ही हो गया, तो dx बराबर एक्स स्क्वायर dx बराबर 2/3 t dt। अब सीधा एक्स स्क्वायर dx येगा, इसको पुट कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसमें क्या होगा टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स क्यूब है टी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर dx क्या है 2/3 t dt और बाय रूट अंडर टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी डी टी बाई टी, टी टी कट गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 टी स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग अलग कर देंगे 2/3 टी स्क्वायर माइनस 2/3 डी टी, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2/3 टी क्यूब बाई 3 माइनस 2/3 टी प्लस सी। अब एज यूजल वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 2 होगा 2/9 और टी किसको माने थे, टी माने थे आप टी स्क्वायर आप माने थे ना 1 प्लस एक्स क्यूब को, तो यहां से हम लोग टी क्या निकल जाएगा, टी हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/2 हो जाएगा ना, और उसका अगर उसका फिर हम क्या कर दें क्यूब कर दें तो फिर ऊपर पावर भी आ जाएगा, अगर इसका क्यूब करेंगे तो यहां भी 3 आ जाएगा, तो वही करते हैं यहां पे हम इसके बदले ये पुट कर देते हैं माइनस 2/3 और टी की जगह क्या निकाल लेते हैं 1 प्लस यहां, ठीक है क्यूब ही होगा और 1 प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है, और क्यूब का क्या हो जाएगा 1/2 ठीक प्लस सी, इसको आप रूट अंडर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 64 नंबर क्वेश्चन, अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन है आपको x बाय 1 प्लस रूट अंडर एक्स, तो इसमें 1 प्लस एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, सीधा पुट कर देते हैं, और यहां से एक्स बराबर कितना निकल गया टी माइनस 1, तो एक्स की जगह टी माइनस 1 पुट कर देते हैं, और नीचे कर देते हैं आपको टी पुट रूट अंडर टी, और यहाँ डी एक्स की जगह डी टी सीधा निकला था, अब सॉल्व कर लेते हैं टी बाय रूट अंडर टी क्या हो जाएगा रूट अंडर टी और माइनस 1 बाय रूट अंडर टी डी टी, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो टी का पावर 1/2 है, ऐसे लिख लेते हैं 1/2 माइनस टी का पावर माइनस 1/2 टू डी टी, सॉल्व करते हैं टी का पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 और बाय 3/2 और माइनस टी का पावर माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 बाय 1/2 प्लस सी, ये जगह 2/3 टी का पावर 3/2 माइनस 2 टी का पावर 1/2 प्लस सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल है
2/3 टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, 1 + x, 1 + x^3/2 -2 टी का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, टी किसकी जगह था 1 + x, तो 1 + x^1/2 + c 1/2 को हटाएंगे तो रिडंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको 65 नंबर। तो ये है आपको 1 / x (x^4 - 1) dx। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें काम कर लीजिए आप, ऊपर नीचे क्या करिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको x² ऊपर तो x ही रहेगा, x² / x^4 - 1 dx। अब x² को आप t मान लीजिए, क्यों माने, क्योंकि यहां x4 को t मानने में दिक्कत हो रहा था इसीलिए, और एक साथ दोनों टर्म तो एलिमिनेट होता नहीं इसीलिए ऐसा किया। x² को t मानेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt/2x, और यहां सिंपल हो जाएगा x/t √t²-1 dt/2x। कट गया, ये भी जो माने थे वो भी गया, और ये हो जाएगा dt/2√t(t²-1)। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/√t²-1, और यहाँ टी डी टी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है सेकेंड वर्स टी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 sec inverse t + c, तो क्या हो जाएगा 1/2 sec inverse x² + c, क्योंकि t की जगह क्या माने थे x², इसलिए। तो ये हुआ हमारा 65 नंबर क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं 66, तब तक अगर आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लें। तो फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आपको x√x - 1 dx। इसमें आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको x-1 को t मान लेना चाहिए, तो dx बराबर हो जाएगा dt, और यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 1 + t। पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 + t, इसका वैल्यू x-1 का वैल्यू √t और (dt) सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा √t + t √t dt। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, t^1/2 + t^3/2 + c 1/2 + 1 = 3/2 / 3/2 + 1 = 5/2 + c बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। ये हो जाएगा 2/3 t^3/2 + 2/5 t^5/2 + c 2/3, और t किसकी जगह था, x-1 की जगह, 3/2 + 2/5 x-1 = 5/2 + c। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 - x √1 + x dx। तो 1 - x को मान लेते हैं t, एक मिनट, अगर 1 - x को t मान लेंगे तो फिर नहीं, ये काम करिए 1 + x को t मान लीजिए, बताऊंगा मैं आगे क्यों माना, इससे dx = dt हो जाएगा। वैसे आप उसको भी मानिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, और इससे हम लोग निकाल सकते हैं x = t - 1। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं 1 - t - 1, एक्स का टी पुट कर दिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया √t dt, क्योंकि dx का dt था सीधा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - t + 1 √t dt, ये हो जाएगा आपको 2 - t, इतना सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, t के पावर √t को कैसे लिखते हैं, 1/2 और t^t (√t) यानी t^1 + t^1/2, तो ये हो जाएगा t^3/2 dt। सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो इससे हम लोगों को पता चलता है क्या हो जाएगा, t^3/2 ये हो जाएगा होल के अंदर है, और ये हो जाएगा t^-(-)/5/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ ये बना लेगा 4। ठीक है 4 बना लेगा, और 2 तो सिर्फ इसी के साथ था, यहां पे देखिए
ये 4 बना लेगा और ये 4 बाई 3 और t की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स पावर 3 बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बाई 2 का 2 बाई 5, 1 प्लस एक्स का पावर 5 बाई 2 प्लस c। देखिए आप लोग पूछ रहे थे ना कि यहाँ 1 माइनस एक्स को t क्यों नहीं माने, इसलिए नहीं माने, मान सकते हैं आंसर उससे भी आता लेकिन जो ओरिजिनल आंसर दिया हुआ उससे मैच नहीं करता, तो फिर आप लोग झूठ का परेशान हो जाते कि गलती मान ली है नहीं बना, तो इसलिए हम लोग ये माने ताकि इससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो है ना 1 प्लस एक्स के टर्म में दिया हुआ था इसलिए 1 प्लस एक्स को माने, अगर 1 माइनस एक्स के टर्म में दिया था तो 1 माइनस एक्स मान लेते हैं, इसीलिए ना एग्जाम में आप कुछ भी मान सकते हो बना सकते हो, आंसर दोनों सही होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको रूट एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग टी मान लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x, तो क्या होगा कि हो जाएगा x रूट टी इंटू dt बाई 2x बराबर रूट टी बाई 2 dt, समझे ना, x से x कट गया था, t का पावर 1 बाई 2 बाई 2, ये हो जाएगा t का पावर 3 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 2, 2 2 कट गया प्लस c, ये क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई 3 t का पावर 3 बाई 2 प्लस c, ये हो गया 1 बाई 2 x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, x इंटू रूट अंडर 3x माइनस 2 dx, तो 3x माइनस 2 को हम लोग t मान लेते हैं, तो फिर dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3x का 3, हाँ 3, और इससे ये भी पता निकाल सकते हैं कि 3x बराबर हो जाएगा t प्लस 2, तो x बराबर हो जाएगा t प्लस 2 बाई 3, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स जगह क्या हो जाएगा t प्लस 2 बाई 3 और यहाँ रूट अंडर t dt बाई 3, ये 1 बाई 9 मिलकर बाहर चला गया और ये क्या हो गया t का पावर t इंटू रूट t यानी 3 का पावर 3 बाई 2 प्लस 2 इंटू t का पावर 1 बाई 2, 2 इंटू रूट t इतना हो गया, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 बाई 9 t का पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस 2 t का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस c, समझे ना, इसमें 1 जोड़ दिए 1 जोड़ दिए और नीचे से डिवाइड कर दिए, बेसिक इंटीग्रेशन है ये, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा, ये हो जाएगा आपको 2 t का पावर 5 बाई 2 बाई 45, ये हो जाएगा 4 t का पावर 3 बाई 2 बाई 27, इसको अंदर ले गए 9 5 जा 45 2 ऊपर चला गया, 9 3 जा 27 2 ऊपर चला गया, अब पुट कर देते हैं वैल्यू सिंपल 2 बाई 45 और ये हो गया 3x माइनस 2 क्योंकि 3x माइनस 2 को t माने थे, 5 बाई 2 प्लस 4 बाई 27 3x माइनस 2 बाई 3 बाई 2, ठीक है। हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको dx बाय x cos स्क्वायर 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को हम लोग t मान लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा x dt, पुट कर देते हैं x dt बाय x cos स्क्वायर t, हो जाएगा x x कट गया 1 बाई cos स्क्वायर t, ये हो जाएगा आपको sec स्क्वायर t dt, ये हो जाएगा आपको tan t प्लस c, तो ये हो जाएगा आपको tan 1 प्लस log x प्लस c, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब 71 नंबर देख लेते हैं, ये है x स्क्वायर sin x क्यूब dx, x क्यूब को हम लोग t मान लेंगे, तो dx हो जाएगा आपको dt बाय 3x स्क्वायर, तो अब x स्क्वायर sin t इंटू dt बाय 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा sin t बाय 3 क्योंकि x स्क्वायर कट गया dt, तो और sin t का क्या होता है माइनस cos t बाय 3 प्लस c, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 3 cos x क्यूब प्लस c, ठीक है।